प्रभु, आपने तो कहा था कि जंगल में कोई सिंह नहीं है, किंतु इस सिंह ने उस बालक को खदेड़ दिया और आचार्य जी उसके भय से झाड़ियों में छुप गए। प्रभु, यह क्या रहस्य है? ये रहस्य उद्घाटन में शीघ्र करने वाला हूं। इस मायावी ने मुझे भी यहाँ पे उलझा के रख दिया। अगर मैं शीघ्र ही वनिला के जोड़ का बालक लेकर खड़े नहीं पहुंचा तो आज महाराज भयासुर के हाथों मेरी मृत्यु भी निश्चित है। मायावी, मायावी, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने कर दी? अमात्य, अभी ये सब पूछने का समय नहीं है, आप ये लीजिए। वो बालक इसी में है, अब आप इसे यथाशीघ्र महाराज के पास ले जाएं, अन्यथा महाराज कुपित हो सकते हैं। ठीक है मायावी, मैं तुमसे जल्दी ही मिलता हूं। उस कौवे जैसे दिखने वाले प्राणी ने मानो मार मार के मेरे प्राण ही निकाल दिए, छोड़ूंगा नहीं उसे। किंतु प्रभु, हम आचार्य की कुटिया में कर क्या रहे हैं? काकराज, आपने कभी आचार्य की दाढ़ी ध्यान से देखी? हाँ प्रभु, देखिए, किंतु क्यों? क्योंकि उनकी दाढ़ी में तिनका है और हम वही तिनका ढूंढने आए हैं। काकराज, वो दाढ़ी का तिनका। ये रहा वो तिनका काकराज। किंतु प्रभु, ये किसी का लंबा केश है? किसी के नहीं काकराज, उसी आचार्य के, और ऐसे केश असुरों के होते। अर्थात आचार्य ऋषि के भेष में मायावी असुर बन के घूम रहा है? हाँ काकराज, मुझे तो उसी समय संदेह हो गया था जब ऋषि ने मुझे अपने हाथ दिखाए थे और ये कहा था कि उन पर एक बाघ ने आक्रमण किया है। किंतु वो कैसे प्रभु? क्योंकि उनके हाथ पर एक ही स्थान पर एक चिन्ह था, क्योंकि जब बाघ आक्रमण करता है तो एक नहीं अपितु तीन खरोंच के चिन्ह होते हैं, क्योंकि बाघ अथवा सिंह उनके नख ऊपर से तीन ऐसे और नीचे के दो नख ऐसे मुड़े हुए होते हैं। किंतु प्रभु, प्रश्न ये उठता है, वो मायावी असुर यहाँ क्या करने आया है? वही कार्य जो आचार्य बाघ की कथा रचकर सुना रहा है। किंतु मुझे संदेह है काकराज कि उसी ने वो बालकों की हत्या की है। संभव ही वो बालक कहीं और होंगे। किंतु प्रभु, ये कैसे ज्ञात होगा? वो भी ज्ञात हो जाएगा। अब मुझे युक्ति से कार्य करना होगा। मेरे 100 मुहर इस नए बालक पे और मेरा दांव सदा की भांति इस वनेला पर। महाराज,
आज विश्वास कीजिए, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये बालक वनेला को कुशलता से टक्कर देगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा शरीर तो रहेगा किंतु तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। स्मरण है ना मैंने कितने लोगों के प्राण लिए हैं? जी महाराज। महाराज चमत्कार हो गया। महाराज वाह बहुत अच्छे बालक, बहुत अच्छे। आज पराजित कर दो इस वनेला को। मेरी एक शास्त्र मुद्रा है इस गांव के बालक पर। बोलो कौन लेगा मेरा दाव? मेरे दो शास्त्र मुहर धर्म पर। महाराज आज यहाँ पर ऐसा दाव लगने वाला है जो किसी भी राज्य में नहीं लगा होगा महाराज। आज अपनी ही कुटिया में प्रवेश करते हुए मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि जैसे यहां किसी अज्ञात व्यक्ति का आगमन हुआ हो। ये पोटली, ये तो उधर रखी थी, ये इधर कैसे आई? इसका अर्थ है किसी ने मेरी कुटिया में आकर खोजबीन की है। कहीं किसी को ज्ञात तो नहीं हो गया कि मैं ऋषि के वेश में मायावी असुर हूं? मुझे अपनी मायावी शक्तियों से ज्ञात करना होगा। आचार्य जी माता को मत बताइएगा कि मैं यहाँ छुप रहा हूँ। सिंह ने मेरे भ्राता का वध किया उसी तरह मैं भी उसका वध करके रहूंगा माता। ये तो सावित्री का वही साहसी पुत्र है। बहुत दिनों से मैं इसके पीछे था, आज अवसर मिला है तो क्यों ना मैं इसे आज ही पकड़कर अमात्य के पास पहुंचा दूं। किंतु पुत्र मैं तुम्हें इससे भी अच्छा स्थान दे सकता हूँ छिपने के लिए। अच्छा वो कहाँ आचार्य? ये देखो मेरे पास एक ऐसी शक्ति है यदि मैं मंत्र पढ़ दूं तो तुम इसमें आ जाओगे और फिर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा तो आप मुझे इसके भीतर छुपा दीजिए। अब देखो मेरा चमत्कार।
आचार्य जी, हमारे प्रभु के पास एक ऐसी शक्ति है जो शीश धड़ से अलग कर देता है। तुम लोग, यदि तुम बालकों का अपहरण करने के लिए अपनी माया का प्रयोग कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए युक्ति अपना सकता हूं। तुम्हारा भेद खुल चुका है। ये है इस दुष्ट का वास्तविक रूप। अच्छा होता वो लठ इसके सर पे दे मारता। तेरा सत्य सामने आ चुका है असुर, अब जीवित रहना चाहता है तो मुझे वहां ले चल जहां तूने बालकों को छुपाया है, अन्यथा नहीं नहीं मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। ये वनेला पुनः इस गांव के बालक पर भारी पड़ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये नया बालक वनेला के वार को और अधिक नहीं सह सकता। हाँ, और इसी के साथ आज ये कीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। अमात्य, मुझे यहाँ पर दंगल चाहिए। दंगल, ऐसा दंगल जो आज तक किसी ने ना देखा। गांव के सारे बालकों को इस दंगल में छोड़ दो। जाओ। अग्नहं सर्वशक्ति ब्रह्मकं सर्वशक्ति तु है शिवं तो तू है वो दुष्ट असुर जो निर्दोष बालकों को उनकी माता से छीन कर यहां लाता है अपने आनंद के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए, फिर चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। यज्ञहं त्र्यंबकं। तुम्हारा ये दुस्साहस कौन है तू दुस्साहसी? मेरा नाम जानने से अच्छा है ये जान लो कि आज से तुम्हारा ये दंगल समाप्त होने वाला है।
अच्छा तो ये बात है, मुझे ज्ञात नहीं तू कौन है, इसीलिए मैं तुझे चुनौती देता हूं, किंतु यदि तुझ में साहस है तो मुझे पराजित कर, मेरे साथ दंगल लड़ और अपने गांव के बालकों को ले जा। बोल, करता है चुनौती स्वीकार? लड़ेगा मुझसे दंगल? उचित है। इतने बल लगाने पर तो कोई पहाड़ भी अपने स्थान से खिसक जाता। फिर ये भयासुर धरती पर इतनी सरलता से कैसे जमा है? पीछे नहीं तो क्या, आगे से तो अवश्य मुंह की खा सकता है। अवश्य ये कोई वरदान से सच्चित है, अन्यथा अब तक भूमि पर पड़ा होता। तो उचित है ब्रह्मदेव, यदि आपके वरदान के अनुसार कोई भी अस्त्र या शस्त्र इस कवच को भेद नहीं सकता तो मैं इसे अपने तप का फल समझकर स्वीकार करता हूँ। तो इसका अर्थ ये असुर अपने दिव्य कवच से रक्षित है, जिस पर कोई भी शस्त्र अस्त्र कार्य नहीं कर सकता, किंतु मेरा चरणास्त्र तो इस पर कार्य कर ही सकता है। इसके कवच पहनते इसका शरीर सहस्त्रों गज के समान भारी हो जाता है, इसलिए इसे अब युक्ति से ही पराजित करना होगा मुझे। अब मैं तेरा सर खंड खंड कर दूंगा, दिखा अपनी चतुराई। हर हर महादेव। मेरा यह वरदानी कवच कैसे गायब हो सकता है ब्रह्मदेव? क्योंकि मैंने इस पे कोई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं, अपनी मुट्ठी से प्रहार किया है मूर्ख, और ये ब्रह्मदेव के वरदान से बाहर है। तूने मेरा कवच गायब किया ना, मैं तेरा वध कर दूंगा। अब तो ज्ञात हो चुका है कि आप लोगों के बच्चों को किसी सिंहा ने नहीं मारा है, अपितु वो जीवित है।
उन्हें लाने स्वयं प्रभु परशुराम गए हैं। परंतु आप लोग ऐसे उदास मत होइए, मेरे राम सभी बालकों को सुरक्षित लौटा लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ काकराज, जब इतनी माओं का आशीर्वाद मेरे साथ था तो फिर परशुराम रिक्तहाथ कैसे आता? पुत्र, तुम कहां चले गए थे मेरे लाल? ये क्या दशा हो गई है तुम्हारी रघु? अब मैं तुम्हें कभी भी अपने नेत्रों से दूर नहीं होने दूंगी। अन्यथा प्रभु, आपने उन माओं के प्राण लौटा दिए। देखिए ना, वो माँ अपने बच्चों को देखकर कितना प्रसन्न हो रही है। आपको सभी माताओं का कोटि-कोटि प्रणाम है प्रभु। यहाँ उपस्थित सभी माएं, इनके सबकी एक ही इच्छा है, आप कृपया उनकी इच्छा स्वीकार कीजिए। हम सभी माताएं आपके चरण वंदना करना चाहती हैं प्रभु।